दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल सिविल प्रैक्टिकल अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बीम का डिजाइन कैसे करते हैं, यानी बीम की गहराई कितनी होनी चाहिए और बीम की चौड़ाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। बीम आप दोस्तों जानते ही हैं, एक तो रूट होते हैं जो छत के साथ डाले जाते हैं, जिसको हम टी बीम भी कहते हैं या सामान्य भाषा में इसे लटक बीम भी कहा जाता है। इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है एक बिल्डिंग में। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस 20 फीट है, यानी दो दीवारों के बीच की जो डिस्टेंस है 20 फीट है, उसके लिए हमें डिजाइन करना है बीम का, कि हम बीम की गहराई कितनी रखें, बीम की चौड़ाई कितनी रखें। तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे आप डेप्थ कैसे निकालते हैं बीम की, बीम की गहराई कितनी रखते हैं। तो आपका जितना भी स्पान है उस स्पान को हम डिवाइड करेंगे 16 से। जैसे हमारा यहाँ पर स्पान 20 फीट है, तो हम इस 20 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो वो आता है 1.25 फीट। तो अब यहाँ से हम इसको जब कन्वर्ट करते हैं इंचों में, तो 1 फीट 3 इंच, मतलब 15 इंची गहराई निकल करके बीम की आती है। स्पान जितना भी होगा वो उस स्पान को हम 16 से डिवाइड करेंगे, तो हमें बीम की गहराई मिलेगी दोस्तों, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब हमें बीम की चौड़ाई निकालनी है। चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हमने डेप्थ फाइंड कर ली है। डेप्थ फाइंड करने के बाद हम डेप्थ को डिवाइड करेंगे 1.5 से 2 के बीच। तो हम 1.5 से हम डिवाइड कर देते हैं। 1.5 से हम जब डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 15 को हम डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो निकल कर आएगा 10 इंच। अब 10 इंच के लगभग हो जाता है मान लीजिए 9 इंच। तो हम बीम को कह सकते हैं बीम की चौड़ाई 9 इंच होनी चाहिए और उसकी गहराई 15 इंच होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम बीम का डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों बीम का डिजाइन करने के बाद हम देखेंगे कि हम बीम में सरिया किस तरीके से प्रोवाइड कराएं, यानी बीम में रेनफोर्समेंट किस तरीके से दिया जाए। तो उससे पहले दोस्तों आपको समझना होगा कि जब भी बीम पर लोड आता है तो बीम की कंडीशन क्या होती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब बीम पर लोड आता है दोस्तों, तो असार मतलब कॉलम से जो पास वाला एरिया होता है वहाँ पर क्रैक्स ऊपर और नीचे दोनों पोर्शन पर आती हैं, और बीम का जो मिड वाला पोर्शन होता है, बीच वाला पोर्शन होता है, वहाँ नीचे की तरफ क्रैक्स आती हैं। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखते हुए हम बीम का डिज़ाइन करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बीम का जो डिज़ाइन करते हैं वो दो तरह से करते हैं। इसमें हम आपको सबसे पहले दिखाना चाह रहे हैं ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में हम किस तरीके से देखेंगे, हमने अभी बात करी थी कि बीच वाले पोर्शन में नीचे की तरफ क्रैक्स आते हैं, तो हम वहाँ सरिया नीचे की तरफ डालेंगे और जो कॉलम के निकट वाले पोर्शन थे वहाँ पर हम ऊपर की तरफ डालेंगे, जिसको हम कहते हैं LY4 पोर्शन कहते हैं, और क्रैंक उठाते हैं LY4 पोर्शन पर। और जो LY4 पोर्शन होता है दोस्तों, वहाँ पर जो रिंग डालते हैं वहाँ 6-6 इंची बहुत पास डालते हैं, और जो बीच वाला पोर्शन होता है वहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बढ़ा देते हैं, वहाँ 7-8 इंची भी चल जाता है। तो ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे दोस्तों, वहाँ पर नीचे भी सरिये होंगे और ऊपर भी, और हम बीच वाले जो सरिये होंगे वहाँ क्रैंक देंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में, ये दूसरा ऑप्शन है, और ये पहले ऑप्शन से ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसकी, ये पहले चलता था। जी दोस्तों, ये इस तरीके से जो बीच वाला पोर्शन है वो ऊपर की तरफ LY4 से उठ जाता है, इसकी स्ट्रेंथ पहले वाले ऑप्शन से ज़्यादा होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि बीम में डिज़ाइन दूसरे ऑप्शन से करें। अब हम आपको साइट पर जा कर के दिखाएंगे कि हमने साइट पर किस तरीके से बीम में जो है सरिया डाला है, पहले ऑप्शन से भी और दूसरे ऑप्शन से भी। तो चलिए दोस्तों हम साइट पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं हम एक साइट पर दोस्तों आ चुके हैं। यहाँ पर हमने पहले दूसरे ऑप्शन से क्रैंक दी है बीम में, ऊपर वाले पोर्शन पर हमने सरिया डाला, नीचे डाला, और बीच में जो डाला था वो LY4 से हमने उठा दिया है, उसमें क्रैंक दी है। यहाँ पर हमने नीचे वाले पोर्शन में सरिया डाले हैं 20 mm के, और ऊपर डाला है 16 mm का, और जो बीच में से सरिया उठ रहा है वो भी 16 mm का LY4 से हमने उठा दिया है, क्योंकि हमने आपको बताया जो क्रैक्स डेवलप होती हैं वो LY4 पोर्शन पर ऊपर और नीचे होती हैं, और बीच वाले पोर्शन पर नीचे की तरफ क्रैक्स डेवलप होती है। तो इस तरीके से हमने ये दिया है, और जहाँ पर नीचे दीवारें थी, आसार थे, वहाँ पर हमने पहले ऑप्शन से रेनफोर्समेंट दिया है कि असारों से LY4 पोर्शन पर हमने एक्स्ट्रा बार डाली है, जिसको हम कहते हैं टॉप बार्स। दोस्तों नीचे की तरफ जो बार डाली जाती है उन्हें हम कहते हैं बॉटम बार। तो इस तरीके से
तो पहले पोर्शन से हमने दे दिया है, क्योंकि जो सरिया बांधने वाले होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है और बहुत ही ज़्यादा वो नाटक करते हैं कि सरिया को बैंड अप करने में, इसलिए हमने जहाँ जहाँ दीवारें थी वहाँ पर हमने पहले ऑप्शन से सरिया बंधवा दिया है, और दूसरे जो भी आसार जिनके नीचे नहीं थे वहाँ पर हमने एलवाई पोर्शन पर क्रैंक उठवा दी है। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से बीम का डिज़ाइन करते हैं और किस तरीके से हम बीम में जो स्टील है वो प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, हम उसे और अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड ही वीडियोज आपको मिलती रहेगी। मुलाकात करते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।